हेलो फ्रेंड्स, टुडे आज हम देखने जा रहे हैं सीटेट जुलाई 2020 के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन के अंदर कुछ प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पुराना सेशंस पसंद आया होगा, एनसीएफ वाला और थीम्स वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा और ऊपर आई लिंक पर भी दे दिया जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चंस, शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो आज हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2019 के अंदर पूछे गए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया है वो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और फिर सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर करें बच्चों के साथ, जिससे सबको फायदा हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। ईवीएस के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमें पता है, ये क्लासों की बात की गई है तो हमें पता है, पहला ऑप्शन देखिए, फोर क्लास वन एंड टू ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या है बात ये, पहली से दूसरी की कक्षा के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल, कल पढ़ा था हमने एनसीएफ के अंदर कि ईवीएस को पहली और दूसरी क्लास में लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू करते हैं, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में क्या करते हैं, अलग से ईवीएस को इंट्रोड्यूस करा जाता है। उसके अंदर क्या करा जाता है, साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वन क्या हो गया, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो इतना टाइम लगता है दोस्तों अगर आपको एनसीएफ आता है तो। ठीक है, जिसने भी नहीं देखा उसको मैं लिंक दे दूंगा आई आई लिंक पर, ऊपर जो आई बटन आता है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट दैट। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह अंगीकृत करता है कि क्या करता है अंगीकृत, ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर, ईवीएस इज टीचर सेंटर, ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट। तो रोट नहीं कर सकते, टीचर सेंटर्ड भी नहीं करना है, थ्रू इंफॉर्मेशन ये हमने कल पढ़ा था, ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर, बाल केंद्रित शिक्षण हमें पढ़ाना चाहिए। तो यह पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, एक्सप्लोरेशन मतलब उसको चीजों को खोज कर देख कर समझ कर वो करता है, तो ये बाल केंद्रित है, शिक्षा केंद्रित नहीं है, रोट नहीं करवा सकते। अध्ययन सूचना के द्वारा, सूचना को दिखाना, सूचना के द्वारा सीखते तो एक्सप्लोर नहीं करते, खोजे चीजें, नई चीजें नहीं देखते, तो ये हो गया पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस फॉर क्लास थर्ड टू फाइव इज ए सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, मतलब थर्ड से फोर फिफ्थ में ईवीएस इंट्रोड्यूस कराई गई है। अब वो किस किस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, तो कल हमने एनसीएफ में आपको क्या डिस्कस करा था, साइंस पढ़ाता है, सोशल साइंस पढ़ाता है और एनवायरमेंट एजुकेशन पढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर वन ही हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है, द कंसेप्ट एंड द इशू ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड द एनवायरमेंटल एजुकेशन। ऑप्शन वन है इसका सही, पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा को मुद्दों को इसके अंदर पढ़ाया जाता है क्लास थर्ड टू
फाइव है ना। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आता जा रहा है और आपको पसंद आ रहा होगा। जिसको भी दिक्कत हो रही है, जो पहली बार देख रहे हैं ना इस सेशन को, वो क्या करेंगे भाई, एनसीएफ जो हमने वीडियो बना रखी है उसको जरूर देखेंगे। उससे देखिए, तीन क्वेश्चन तो लगातार आ गए आपके एनसीएफ से, अब और क्वेश्चनों को भी टैकल करेंगे देखो एनसीएफ की गाइडलाइन के थ्रू। ठीक है, तो अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। ईवीएस टीचर के लिए क्या डिजायरेबल प्रैक्टिस होनी चाहिए? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछित गतिविधि है? पहली है एनकरेज चाइल्ड टू प्रोवाइड इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा क्या है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ सिक्स थीम्स ऑफ ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन के छह प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, बिल्कुल एक तरफ से ये है, या लाइंग ऑन ए टेक्स्ट बुक, केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना, तो ये तो गलत है। केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित नहीं रहना है, और कोई जरूरी भी नहीं है कि हम सिक्स थीम को बिल्कुल लाइन से करें, तो ऑप्शन टू भी नहीं रहा। अब ऑप्शन बचता है फोर, क्या है, एड्रेसिंग मल्टीकल्चर डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, विभिन्न कक्षाओं की बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। मतलब जो मल्टी कल्चर है उसको क्या है, उसको मतलब हमें दिखाना है किसके थ्रू, बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करते हुए। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर फोर। ऑप्शन नंबर फोर इंपॉर्टेंट ये चीज है, प्रैक्टिस जो हमें करनी है, एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम। अलग अलग बहु सांस्कृतिक, अलग अलग तरह की संस्कृति के लोगों की के कल्चर अलग अलग होते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, उन सबको इंट्रोड्यूस करा जाए इसके अंदर। तो ये चीज है, कल आपको बताया था मैंने एनसीएफ में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपोर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन नॉलेज इन ईवीएस। इनमें से कौन सा इंपोर्टेंट है किस चीज के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए नॉलेज की ईवीएस के बच्चों के लिए, ईवीएस में बच्चों के लिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो देखते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चाइल्ड बिल्कुल सही बात है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये तो हमने बताया था कल। ठीक है, एक ऑप्शन सही हो गया। कम्युनिटी मेंबर ऑफ चाइल्ड, बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी ठीक है, समुदाय था उसमें, बिल्कुल ये भी हो गया। क्या है, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, हाँ उसको साधन के रूप में हमें प्रयोग करना था, तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर ये कहता कि केवल ईवीएस की टेक्स्ट बुक, तो नहीं, केवल नहीं, टेक्स्ट बुक भी है। ठीक है, और आखिरी क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड द डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक। तो हमें क्या था, किताबों में डेफिनेशन पहली बात तो दी ही नहीं गई है, और अगर दी भी गई है तो उनको हमें रटवाना नहीं है। तो ऑप्शन क्या सही हो गए, ए बी सी सही हो गए इसके, और ऑप्शन ए बी सी ऑप्शन फोर में है, तो ऑप्शन फोर क्या है, बिल्कुल सही है इसके लिए। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आता जा रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों, इससे क्या होगा, आपके दोस्त जो परेशान हैं उनको भी फायदा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस टीचर शुड एनकरेज हिज और हर चाइल्ड टू ऑब्जर्व एनिमल एंड मेक पिक्चर ऑन देयर ओन। इससे क्या होगा, क्या होगा बताइए। पहला है डेवलप क्रिएटिविटी,
ऑफ द चाइल्ड, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का आएगी, बिल्कुल क्रिएटिविटी आएगी, क्या है, बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होगा, करना बिल्कुल होगा। अगर वो इसको हिंदी में पढ़े एक बार, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। मतलब एक जानवर को हम देखते हैं और उसका डायग्राम बनाने के लिए एनकरेज करते हैं बच्चों को, तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, बिल्कुल सही बात है। क्या अगला क्या है, सेकंड ऑप्शन है डेवलप ऑब्जर्वेशन, डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगी और डिजाइन मतलब ड्राइंग करने की स्किल बढ़ेगी बच्चे की। दूसरा क्या है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का निर्माण होगा, का विकास होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। डेवलप एथेस्टिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, इससे क्या होगा, बच्चे में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक, सौंदर्यगत, उससे हमें संवेदना विकसित होगी। किस सौंदर्य मतलब क्या होता है, चेहरा होता है किसी की, स्टाइल मतलब किसी का देखने का तरीका, कैसा कोई चीज दिखती है, जैसे कि भाई भैंस ऐसी दिखती है, गाय ऐसी दिखती है, गाय सफेद होती है, ये सब चीजें जो चीजें हैं इसके अंदर ये चीजें हैं, है ना, बिल्ली ऐसे होती है, कुत्ता ऐसे होता है, ये सब चीजें। तो ऑप्शन थ्री क्या है, बिल्कुल सही है, ए बी सी तीनों ही इसके बिल्कुल सही उत्तर होंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। उसमें आपको क्या बताया गया था, बताया गया था ऑब्जर्वेशन, बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाना, सारी स्किल जितनी भी क्या होता है, जो भी स्किल है उसको बढ़ाना ही है, ये डेवलपमेंट जब भी बच्चे की बात आएगी तो हमें डेवलप उसमें करना ठीक रहेगा, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन कैन बी effectively engage in EVS learning through, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावित तरीके से जोड़ा जाता है, तो पहला है नरेटिव, बिल्कुल सही, वार्तांग वार्तांत द्वारा, दूसरा स्टोरी, स्टोरी सुनाकर, बिल्कुल किताबें भी बिल्कुल स्टोरी की तरह लिखी गई है, देखो जिस बच्चे का एक है पेपर तो उसने भी नोट किया हुआ है कि ये एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग कहा गया है, बिल्कुल बिल्कुल कहा गया है। अगला क्या है, इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट बाय द कंसेप्ट, का कंसेप्ट कहाँ से आ गया, इसमें इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन बिल्कुल गलत, इफेक्टिव कंसेप्ट तो इसमें होता ही नहीं है, बच्चों को हमेशा चीजें सुनाकर उनका ऑब्जर्वेशन कराकर मतलब बच्चों को करके सीखने के लिए प्रेरित करना ही उद्देश्य है एनसीएफ के द्वारा। तो क्या है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाल व्याख्या, व्याख्या नहीं करनी, ऑप्शन डी है अफेक्टिव डेमोस्ट्रेशन एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट बाय द टीचर। डेमोस्ट्रेशन कैसे हो गया, डेमोस्ट्रेशन तो नहीं हो सकता, क्यों, ये तो साइंस के अंदर होता है, कोई प्रोजेक्ट थोड़ा ना है, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशील प्रदर्शन और व्याख्या, व्याख्या जब भी शब्द आएगा तो गलत होगा, व्याख्या के अंदर क्या हो जाता है, टीचर केंद्रित शिक्षण आ जाता है जब भी व्याख्या करता है टीचर, ठीक है, मतलब बच्चों का ऊपर थोप देने वाली चीज हो जाती है इसके अंदर। तो ऑप्शन ए और बी बिल्कुल सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर वन में दिया गया ए एंड बी ओनली, तो ऑप्शन वन बिल्कुल सही है इसके लिए, तो ऑप्शन वन बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट अफेक्टिव रिसोर्स ऑफ द ईवीएस लर्निंग, ईवीएस लर्निंग के लिए क्या बिल्कुल अफेक्टिव चीज है, तो अगला देखिए, मतलब हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है, तो पहला है फैमिली मेंबर, बिल्कुल पहला
प्राइमरी एजेंट क्या है? प्राइम परिवार है। दूसरा, मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, हाँ अखबार सॉरी कम्युनिटी से सीख सकता है, समुदाय के सदस्यों से बिल्कुल है ना, न्यूज़पेपर से, हाँ न्यूज़पेपर से भी ईवीएस लर्निंग होती है, ठीक है, समाचार पत्र से। अब अगला क्या है? ऑप्शन डी क्या है? क्लासरूम। क्लासरूम सिर्फ क्लासरूम में रहकर नहीं, क्लासरूम में ही रहकर मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स नहीं है, मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स नहीं है, क्लासरूम से बाहर निकलना है। ईवीएस में हमेशा कोशिश की जाएगी कि क्लासरूम से बाहर निकला जाए, इफेक्टिव वे वही होगा, रियल लाइफ से जोड़ा जाए, बिल्कुल डेमोस्ट्रेट करा जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन से में है? देखो भाई, ए बी सी, तो ऑप्शन नंबर टू में क्या है? ए बी सी, तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ द लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस? ईवीएस के अंदर क्या करा जाता है, मतलब कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो पहला है अब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, अमूर्त से मूर्त, अननोन टू नॉन, अज्ञात से ज्ञात की ओर, या ज्ञात से नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ग्लोबल टू लोकल, वैश्विक से स्थानीय। तो हमेशा किसी भी चीज में टीसिंग के अंदर अगर आपके पास ये ऑप्शन है कि नॉन टू अननोन, जो चीज हम जानते हैं उससे अनजान चीज पर ले जाया जाए, तो वो बिल्कुल सही है। एनसीएफ में भी ये कहा गया है, चीजों को स्टार्ट करने के लिए हर थीम से पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शुरुआत में एक क्वेश्चन दिया जाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे के साथ इंटरेक्शन किया जा सके, उससे क्या होगा, बच्चा रिलेट कर पाएगा। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही इसका है, ठीक है, ये है, थर्ड बिल्कुल सही हो गया, नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स व्हाइल वर्किंग इन ग्रुप इज एनकरेज बिकॉज, इनकरेज क्यों करता है? ऑप्शन वन है, इंग्लिश में और हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया गया है, क्योंकि करके सीखने पर बल दिया जाता है, बिल्कुल ईवीएस के अंदर। तो इसमें क्या है, ग्रुप लर्निंग इज इजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन स्टूडेंट, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षक के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। जब भी आपको देखिए, टीचर यहाँ पर टीचर का फायदा हो रहा है, टीचर का फायदा हो रहा है, तो टीचर का फायदा नहीं करना है, पेडियोमी के क्वेश्चन में जब भी टीचर की बात आएगी तो इसको फायदा नहीं होना चाहिए, टीचर के लिए ही सारी चीज नहीं होती, इसके अंदर चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब बच्चे के लिए फायदा करना है, एक अफेक्टिव तरीका है, लेकिन इसमें टीचर को हेल्प हो रही है, ये क्या हो गया, टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन वन हटा दिया जाएगा। ऑप्शन वन हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं, कक्षा को अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षक के लिए एक आसान और बहुत प्रभावीशाली युक्ति है, नहीं, ठीक है। ग्रुप लर्निंग प्रमोट पीयर लर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी में देखें, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, अपने दोस्तों से सीखने से प्रभावित करता है, बच्चा एक दूसरे से ज्यादा सीखता है, एक दूसरे से ज्यादा सीखता है, अपने बड़ों से ज्यादा सीखता है, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन सी क्या है, ग्रुप लर्निंग इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, बिल्कुल, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतर क्रिया को बेहतर करता है,
बच्चा अगर कक्षा में सीखता है साथ साथ बैठकर, तो उसका सामाजिक डेवलपमेंट होता है, बिल्कुल सामाजिक अंतरक्रिया को बेहतर बनाया जाता है। अगला क्या है, ग्रुप लर्निंग हेल्प इन कंप्लीमेंटिंग सब्जेक्ट और सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए टाइम पर। तो देखिए वही आ गया ना, टीचर को हेल्प हो रही है सिलेबस को कंप्लीट कर जाता है, ये टीचर सेंटर्ड हो गया, तो ये अभी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए सहायक करता है। तो ऑप्शन कौन कौन से सही है, बी और सी सही है। तो देखिए कौन से में सेकंड में, तो ऑप्शन टू बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल बी और सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी, तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस। हिंदी में देखें, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, तो किसको अवॉइड करना चाहिए बच्चों का आकलन करते समय ईवीएस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर वन है, डिस्कस व्हाट वी हैव लर्न गिवन एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर ऑफ द ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5। बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ। तो हिंदी में पढ़े एक बार, कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन वन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा इसके लिए। अगला क्या है, यूज इंडिकेटर फॉर असेसमेंट, इंडिकेटर को यूज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आकलन के अंतर संकेतकों का उपयोग करना चाहिए, आकलन के लिए संकेतकों का, मतलब उसको नंबर नहीं देने हैं, संकेतों का वो होना चाहिए कि अगर 2 नंबर है तो ऐसे उसको उस चीज में लिखे कि 2 ना, बिल्कुल उसको अलग से ना डिफाइन कर दे। दूसरा तीसरा क्या है, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ द चिल्ड्रन लर्निंग, बिल्कुल गुणात्मक, बच्चे के सीखने में गुणात्मक करना चाहिए। दो चीजें होती है, क्वालिटेटिव और दूसरा क्या होता है, क्वांटिटेटिव, दैट इज उसको हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं हिंदी में, मात्रात्मक, मात्रात्मक आकलन कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, मात्रात्मक आकलन नहीं करना है, तो हमें गुणात्मक, बच्चे के अंदर क्वालिटी डेवलप हुई नहीं हुई वो चीज देखनी है। ठीक है, अगला क्या है, जजिंग द आंसर गिवन बाय द चिल्ड्रन इन टर्म ऑफ राइट और रॉन्ग, बट ये बिल्कुल गलत है। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, जो अवॉइड करना है। तो ऑप्शन 4 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है कि बच्चे का जो आंसर दिया है उसको हमें ऐसे नहीं कहना है बच्चे को कि भाई ये गलत है ये सही है, समझे, बच्चे को डायरेक्टली नहीं कहना है कि बेटा ये आपका गलत उत्तर है, तो उससे क्या होता है बच्चा डिस्करेज हो जाता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है इस क्वेश्चन के लिए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए टीचर ऑफ क्लास 5 कंडक्ट्स एन एक्टिविटी इन विच सी आस्क हर चिल्ड्रन टू ड्रॉप सम शुगर ऑन द ग्राउंड एंड आस्क देम टू वेट अंटिल द आंट कम देयर, चिल्ड्रन कैन बी गिवन मीनिंगफुल लर्निंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी इफ टीचर। तो हिंदी में पढ़ेंगे एक बार, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है, उसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है, बच्चे को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, तो एक टीचर क्या करती है, चीनी का दाने को ग्राउंड पर गिरने को कहती है, मट्टी मतलब जमीन पर गिरने को कहती है और कहती है कि इंतजार करो जब तक क्या चींटी आती है उसको खाती है, तब तक इंतजार करना है। तो
पहला ऑप्शन है, इससे टीचर क्या सिखाना, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या, कौन सी एक्टिविटी एनकरेज तो करेगी। देखो, एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। दूसरा ऑप्शन क्या है, बच्चों सॉरी हिंदी में क्या है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करना। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना। ठीक है, तो अनुभव को साझा करेंगे बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन टू इसमें क्या है, बेटर है। देखो कैसे, एनकरेज हर और हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कशन ऑन द एक्टिविटी। इस ऑप्शन को हिंदी में भी एक बार देख लीजिए, बच्चों का क्रियाकलाप का अवलोकन करना, अनुभव साझा करना और उस पर चर्चा करना। तो बिल्कुल, बच्चे को पहले टीचर ने क्या कहा कि उस पर ऑब्जर्व करें, एनसीएफ में भी यही कहा गया है कि बच्चों को ऑब्जर्व करवाएं, शेयर वो एक्सपीरियंस को अपने शेयर करेगा, उसको कैसे करेगा शेयर, डिस्कस करके, डिस्कशन करना। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर टू क्या है, बिल्कुल सही है और इसका आंसर भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। पहला है रेटिंग स्केल, दूसरा है एनी स्टोडल रिकॉर्ड, तीसरा है एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, चौथा है पोर्टफोलियो। तो हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, कर्म निर्धारण मापी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण और पोर्टफोलियो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर हिंदी में कहते हैं रचनात्मक आकलन क्या होता है, इसको ड्यूरिंग लिया जाता है, मतलब जब हम चीजें सीख रहे होते हैं तो उसके बीच में इस आकलन को लिया जाता है, तो इसमें से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन जिसको ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इनके बारे में नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तब भी वो क्या लगा सकता है, ऑप्शन थर्ड को बिल्कुल सही लगा सकता है। क्यों, अगर उसको फॉर्मेटिव आकलन की जानकारी है, क्योंकि वार्षिक आकलन क्या होगा, आखिरी में लिया जाएगा। तो ये क्या है, सम्मेटिव आकलन असेसमेंट का क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही उत्तर है इसका। और ऑप्शन वन क्या है, रेटिंग स्केल, उसको बच्चे को क्वेश्चन पूछना, उसके उसको देखकर उसके रेटिंग देना, उसकी बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। ऑप्शन टू है एंटीडोटल रिकॉर्ड, एनी से टोटल रिकॉर्ड, उसके रिकॉर्ड बनाया जाता है बच्चे का। और फोर है पोर्टफोलियो, किसी बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार करना कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है और उसने क्या क्या एक्टिविटीज की है, ये सब चीजें। तो हर बच्चे का एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का टूल नहीं है लर्निंग इन ईवीएस के अंदर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण क्या है, साधन नहीं है किस चीज का, रचनात्मक आकलन का। ठीक है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। तो पहला है ऑप्शन टू, पहले एक बार हिंदी में भी इसको देख लेते हैं, फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन वन है टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लोरिंग हैंड ऑन एक्टिविटी टू एक्यूर बेसिक
कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर स्किल थ्रू ऑब्जर्वेशन क्लासिफिकेशन इन्फेरेंस एक्सेट्रा। तो ये तो सारी बातें एनसीएफ के अकॉर्डिंग कह दी है इन्होंने, यहाँ पर एनसीएफ के अकॉर्डिंग सारी बातें कही है कि बच्चे को एंगेज होना चाहिए, ऑब्जर्व करे वो चीजों को, ऑब्जर्व करे चीजों को, ठीक है, और हमारा एक्सप्लोर करे, हैंड ऑन प्रैक्टिस करे। तो ऑप्शन वन तो बिल्कुल नहीं होगा, हमें क्या करना है, नॉट वाला करना है ना, इसलिए ये नहीं है, ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग बातें हैं। इन बातों को आप ध्यान में भी रखेंगे, क्यों, अब तो एनसीएफ ने इसमें नॉट पूछ लिया है। कुछ क्वेश्चन को सीटेट क्या करता है, अगली बार पलटेगा, इसी ऑप्शन को एज ए राइट टिक करवाएगा, समझे। चार तीन स्टेटमेंट गलत होगी, सही पूछेगा तो आपको ये लगाना पड़ेगा उस टाइम, ठीक है। तो हिंदी में भी देख लीजिए एक बार, अवलोकन वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और तथ्यनात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों का संलग्न करना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग है। और दूसरा क्या है, टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्फ्रेंड रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर सोशल एंड द कल्चर एनवायरमेंट। ये बिल्कुल एनसीएफ के अकॉर्डिंग बात कही गई है, रिलेशनशिप बनाना है किसके साथ, नेचुरल सोशल एंड कल्चर एनवायरमेंट का, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाता है, प्राकृतिक सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षण करना। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि ये भी एनसीएफ के अकॉर्डिंग है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है ना एनसीएफ वाली, भाई देख लो, आई बटन पे दिया है और डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अभी तीसरा है, टू डेवलप प्रीसाइज क्वांटिटेटिव स्किल अमंग द चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईवीएस इशू। तो यहां पर किस चीज की बात कर दी है, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक की बात कर दी है। तो ये भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है इसमें क्या होता है, ईवीएस में सिर्फ गुणात्मक आकलन करना है, उसके गुणों की हमें स्किल के बारे में आकलन करना है और इसका डेवलपमेंट करना है। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा, हिंदी में देख लीजिए, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों से में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना, ठीक है, इसमें संख्यात्मक या मात्रात्मक कौशलों का विकास करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड द क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू द नेचुरल एनवायरमेंट। ऑप्शन फोर में भी क्यूरियोसिटी की बात कर दी गई, बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करना और क्या है, संज्ञानात्मकता, दैट इज क्रिएटिविटी को प्रमोट करना, ये भी एज ए एनसीएफ क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये भी एनसीएफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाए, ऑप्शन नंबर फोर भी बिल्कुल सही बात है। तो हिंदी में भी देख लीजिए एक बार, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। तो सॉरी, इसको क्या करना था, हमें क्रॉस करना था, इसको हमें क्रॉस करना है, एक बार देखिए, ठीक है। तो इसको अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉट वाला सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, ध्यान रखेंगे। और तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, हैव ए गुड डे।